गाइस, सीएससी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमें बताई है कमेंट सेक्शन में राजा मद्देशिया ने। इन्होंने लिखा है कि सीएससी आईडी में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना टीसी का रजिस्ट्रेशन करते हो टीसी सर्टिफिकेट के लिए, तो उस समय आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पिताजी का नाम डालना होता है। अगर आपने वहाँ पर आधार कार्ड से देखकर सब कुछ बिल्कुल सही सही डाला है, कोई भी गलती नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। उस केस में आगे चलकर, यानी कि जब आप सीएससी के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पर भी कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर आप गलती से भी गलत नाम डालोगे तो वहाँ पर दिखा देगा कि यूअर डिटेल इज नॉट मैच्ड। इसका मतलब यह है कि जो सीएससी का जो पोर्टल है वो आपके डिटेल को मैच करता है टीसी के पोर्टल से, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, इसका मतलब आप समझ लो कि आपने टीसी का रजिस्ट्रेशन करते समय ही अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाली थी, ठीक है। अब आपको सही करवानी है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टीसी सपोर्ट टीम को मेल करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ये है और गलती से मैंने ये डाल दी है, प्लीज़ इसे करेक्ट कीजिए, ठीक है। मेल करनी कैसे है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख लेना। और मेल करनी किस पे है, तो उसके लिए बता दूं, आपको आना है टीसी की वेबसाइट पर। सेकंड, यहाँ पर आना है कॉन्टैक्ट अस में, और यहाँ पर देखिए जो मेल लिखी हुई है इस पर आपको मेल करनी है, ठीक है। जब आपका यहाँ से काम पूरा हो जाएगा, यहाँ से मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी, इनकी तरफ से मेल वापस आ जाएगा आपको कि हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी प्रॉब्लम थी वो सही कर दी है, तो उसके बाद आप की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो जाएगी। उसके बाद आप करेक्ट कर सकते हो अपने सी एस सी आई डी में भी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उन पर एक सेपरेट वीडियो भी बना रहा हूँ। वीडियो पसंद आई थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।